अरे ओ टीनू की मम्मी, तुम्हें मालूम है कि नहीं? क्या टूनी, फिर आज कुछ हुआ है कि मोहल्ले में? लो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं, आज सामने वाले घर से कलुए की बेटी भाग गई। हे भगवान, वो लड़की तो बहुत सीधी सादी लगती थी। बात ही छोड़ दो आजकल की छोरियों की, तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखती हैं। सच कहा बहन, आप भी अपनी बेटी को संभाल कर रखना, ज्यादा इधर उधर ना भेजना, हवा लग जाएगी हवा। ना ना टूनी बहन, मेरी बेटी की चिंता तो तुम करो ही मत, बचपन से ही उसे बांध कर रखा है मैंने, आज तक जवान ऊंची ना की उसने मेरे सामने। फिर भी ध्यान रखना, मैंने देखा है उसे छत पर फोन पर बातें करते हुए, रात रात भर बातें करती रहती है। ऐसा क्या अंजाम लगा रही हो मेरी बेटी पर? अपने बेटे को तो देखो जरा, पूरा दिन फोन पर टिक टिक करता रहता है, आवारा की तरह घूमता रहता है। मेरा तो बेटा है, उसे तो अच्छी छोरी मिल जाएगी। आप चिंता करो, आप अपनी छोरी पर नजर रखो, रात रात पर बैठती है ऊपर छत पर, मेरे बेटे के बारे मत सोचिए आप। टूनी और टिमटिम ऐसे ही आपस में झगड़ने लग जाती हैं, और लोगों की बातें करते करते वो अपने बच्चों को भी बीच में ले आती हैं। दोनों गुस्से में अपने अपने घर चली जाती हैं। बेटा तू बाहर बैठ कर फोन मत चलाया कर, चुपचाप घर में बैठ कर गेम खेला कर, फोन चलाया कर। आजकल के लोगों की नजरें एक दूसरे के घर पर ही होती हैं। क्या हो गया माँ, किसने क्या कह दिया आपको? है ना वो सामने वाली चुड़ैल, आज मेरी बेटी की मेरे सामने ये बुराई कर रही थी। मैंने तो उसे ठोक कर जवाब दे दिया, मैंने भी उसकी वहीं बेइज्जती कर डाली। आप भी कम नहीं है माँ, आपने भी कुछ कहा होगा तभी उन्होंने जवाब दिया होगा। मैं तो उसे उसकी बेटी के लिए ही भले की बात कह रही थी, जो चोरी चोरी फोन पे बातें करती रहती है, माँ को कहाँ मालूम होगा, तो उसे बुरा लग गया ये सब सुनकर। ओफो माँ, आप भी ना, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? ठीक ही तो कहा मैंने, गलत क्या कहा, इसमें उसकी छोरी की तो खोट थी ना। छोड़िए माँ, आपसे अब क्या बहस करूँ मैं। दूसरी ओर टिमटिम अपनी बेटी रिमझिम से फोन छीन लेती है और उसे बहुत डांटती है। तेरी वजह से आज मुझे ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ी, आज के बाद ये मोबाइल तेरे हाथ ना लगने दूंगी। माँ क्यों किसी की बातें सुनती हो, क्यों ऐसा करती हो, क्यों गुस्सा करती हो? चुप, एकदम चुप। एक तो गलती और तो और आंखों में आंखें डालकर बात करती है, शर्म नहीं आती तुझे? रात रात भर फोन चलाती रहती है, न जाने किससे बात करती रहती है। रिमझिम वहाँ से गुस्से में चली जाती है और लैंडलाइन पर किसी से फोन पर बातें करती है। हेलो, आज तुम्हारी माँ की वजह से मुझे डांट पड़ी और मेरी माँ की बेइज्जती हुई, मेरे बारे में ना जाने मेरी माँ को क्या क्या सुनना पड़ा। दरअसल रिमझिम उन्हीं के बेटे चिंटू से ही बातें किया करती थी, ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को दिल दिए बैठी थी, पर अफसोस दोनों की माँ ने झगड़ा कर लिया था। जरा मेरी बात सुनो रिमझिम, माँ की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी मांगता हूँ। हम दोनों की माँ किसी की भी बातों में आ जाती हैं और लोगों की बातें करती हैं, पर जब अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर बात आती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ टीनू, तुम सही कह रहे हो, ये पूरा दिन इधर उधर की बातें करती रहती है, समाज में बदनामी की बातें करती है, इन्हें कैसे समझाया जाए कि समाज हम सबसे ही बनता है। मेरे पास एक प्लान है, चलो तुम्हें बताता हूँ। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिमझिम अगली सुबह टीनू की माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है, आंटी टूनी, आंटी आंटी टूनी, आंटी। टूनी बाहर आती है। क्या है री छोरी, जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे वो मुझे तुम्हें बताना था कि वो आपका बेटा टूनी रात को बैग लेकर किसी लड़की के साथ भाग गया है। मैं जरा छत पर फोन पर लगी हुई थी तो मैंने देख लिया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्या पता आपको ही बता कर भागा हो शायद। क्या टीनू घर पर नहीं है? टीनू, ओ टीनू, 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 बाहर आओ, टीनू कहाँ है टीनू? हे भगवान, इस लड़के ने तो मेरी नाक ही कटा डाली। वहाँ टिमटिम आती है और उसे हौसला देती है। टूनी बहन चिंता मत करो, आ जाएगा तेरा बेटा। बहन मैं लोगों के बच्चों की बातें करती थी, आज मेरा ही बेटा मुझे धोखा देकर चला गया, मैं किसे मुंह दिखाऊंगी? अब मेरे बेटे ने तो मेरे मुंह पर ही चमाटा मार दिया ऐसा लगता है। डर लगता है बहन, आजकल तो सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर किसी की भी बातें नहीं मानते हैं। बस करिए आप दोनों, मैं यही हूँ। ये अभी जो भी हुआ वो आपको सबक सिखाने के लिए मैंने और रिमझिम ने प्लान बनाया था। समाज समाज करते रहते हो, पता है समाज आप और हमसे ही बनता है। हमें खुद की आदतों को बदलना होगा, किसी के बारे में बुरा बोलकर या किसी की चुगली कर क्या मिल जाएगा बताइए आप दोनों। और हाँ माँ, जो आप बोल रही थी कि रिमझिम फोन पर लगी रहती है,
पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात वो मुझसे ये बातें किया करती थी। किसी के बच्चे पर इल्जाम लगाने से पहले खुद के बच्चों को देखना चाहिए। सोच बदलो तभी देश बदलेगा।